ड्राइव कब लेटे हुए हैं। वाह of my birthday. So, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं आपको क्विकली रिकैप करवा देती हूँ। सो ऑन माई बर्थडे आई वेंट टू मुंबई विथ माई फ्रेंड्स और रात में हम मस्त क्लबिंग गए थे पार्टी की। द नेक्स्ट डे आई लेफ्ट टू मीट माई पेरेंट्स जो मुंबई आए थे एंड वी स्टेड एट द ताज लैंड्स, द ताज महल पैलेस एंड हम गए थे गणपति बप्पा के दर्शन करने जो अब आप देखने वाले हो। सो यस लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। हमने तो सही सलामत लड़की भेजी थी, इसको क्या हो गया है? मेरा गला बहुत ज्यादा बैठ चुका है, इसके साथ एंजॉय किया तो एंजॉय करने में थोड़ा सा होता है। मेरा गला सबसे पहले गला ही जाता है, मेरा गला चला गया। चिल्लाई ज्यादा होगी एंड वी आर हियर जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी, लुक्स सो ब्यूटीफुल। Are here nice, this is the washroom, the place where you can keep stuff and ta-da, looks really beautiful and this is our balcony aur ye hai mast Mumbai ki city life, aap dekh sakte ho aur wo bhi ekdam horn wali and fast life। मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मम्मी पापा मेरे लिए चाय बना रहे हैं। पापा ने पानी गर्म किया और मम्मी चाय मिला के देंगी मुझे। थैंक यू सो मच। पीलो गरम गरम पीलो, अच्छा लगेगा। चलिए हमें क्या चेक करना है? स्पा की अवेलेबिलिटी। क्या जानवी? अवेलेबिलिटी। मम्मी ये कल रात को क्या करके आई है? अवेलेबिलिटी। तू बता। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी रोज हमें सिखाती है, तू ही करती है मम्मी। हाँ बोल क्या? अवेलेबिलिटी। तेरा जितना अवेलेबिलिटी में लग रहा है ना उतने में अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी बहन। मैं सीख जाऊँ ऐसे स्टेटमेंट में बोल। Can you please check the availability? लहरी आ गई है तेरे तो availability में। क्या क्या कह रहे हो पापा? ये तो मेरा रोग लगा है। क्यों? देखो तो पता चले। क्योंकि प्रेम रोग आ रही है मूवी पे। नहीं वो कैसी है? तो पता चले टीवी पे, आई मीन मूवी। हंस लो हंस लो सब हंस लो। जानवी पता है इस होटल में ना सारी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। हाँ ठीक है व्हाट एवर। हेलो गाइस, आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ व्हाइल। आई थिंक मेरी आवाज पहले से बेटर हो गई है। मैंने मस्त गरम चाय है ना, बहुत मतलब मैं बोल रही थी कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी, एक शब्द मोड़ा थी निकलता नहीं आता। बस नहा चुकी हूँ, मैंने बहुत अच्छे से शावर लिया है गरम गरम पानी से, फीलिंग फ्रेश। यहाँ पे दीदी का भी काम हो गया है एंड वी हैव अ गेस्ट। हेलो दीदी दीदी, हाय। सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप जो एक नाइट सूट है जो मैंने वेस्ट साइड से लिया है। इसके मस्त क्यूट से पैंट्स भी है बट मेरे पास टॉप नहीं था तो मैंने ये पहन लिया इन करके इसके साथ। और अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप, तो मैं मेकअप करके मिलती हूँ। ये मेरा है, ये भी मेरा है और ये रहा। तेरा बर्थडे खत्म हो चुका है, चल चल। इस चप्पल से कुछ नहीं लगने वाली, इस चप्पल से अगर मैंने मारा ये टूट गई तो मम्मी मुझे मारेंगी। ये आउटफिट है बहुत ही क्यूट आउटफिट, जो मेरा आउटफिट है ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स ये जेंजी आउटफिट है तो इसका तो नहीं ही है। ऐसा किसने कुछ बोला है जेंजी आउटफिट है? इट इज डन विद द मेकअप एंड हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले गेटवे। हाँ
अभी कुछ पता नहीं है हमको, कुछ पता नहीं है, हम जाके देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे उतरते हैं तब देखते हैं, तब देखते हैं किस तरह को चलना है। लेट्स गो। एंड हियर वी आर एट द गेटवे ऑफ इंडिया, और ये रहा हमारा होटल। बहुत सही वाइब है यहाँ पे संडे को, अगर आपको टूरिस्टी थिंग्स करनी है तो यहाँ जरूर आओ। अब लग रही है भूख, आई रियली वॉन्ट टू ईट फूकी सुशी, बहुत पसंद है मुझे, बट आई डोंट थिंक सो संडे आज टेबल मिलेगी, पहले हमने बुक नहीं की, सो लेट्स सी। वी आर बैक एट आर होटल, क्योंकि कहीं पे भी जगह नहीं मिली हमें, सो वी आर बैक। ओके सो हम आ गए हैं सुशी खाने, आई डोंट नो द नेम, वसाबी वसाबी क्या, एंड इट्स वेरी फैंसी, लाइक यू हैव टू ड्रेस अप इन फॉर्मल्स तब आप आ सकते हो, ये वो सजेशन के साथ आ रहे हो तो, बट आई एम एक्साइटेड फॉर द फूड। लविंग इट सो फार, जो कुछ भी हमने मंगवाया है इट इज नाइस। Cheers, guys. दुनिया एक साइड और पापा का मैच एक साइड। Having good time. मुझे बहुत मजा आ गया यहाँ पे। दीदी दीदी loves to eat aloo olio after watching her eat so much of aloo olio. नहीं लेकिन गोपाली बनाती भी घर पे बहुत अच्छा बना। Guys, done with the dinner. It was amazing, it was expensive, but what do you think, rate your dinner out of 10? सब अच्छा लगता है, फिर जब बिल आ जाता है ना तो मेरी रेटिंग थोड़ी सी गिर जाती है। बता बता बता, हाउ मच वुड यू रेट? मतलब ये ना मेरे को बहुत ओवर प्राइज लगा, काफी ओवर प्राइज लगा, मतलब 1000 रुपए की 6 सुशी नहीं यार, मतलब आया मेरे को नहीं समझ आता थोड़ा। टेस्ट आई विल रेट 8 out of 10, वैल्यू फॉर मनी आई विल रेट 4, ओवरऑल आई से इट इज 7। मैंने चेंज कर लिया है एंड वी आर गोइंग टू मरीन ड्राइव राइट नाउ, बिकॉज रात में मरीन ड्राइव हिट्स डिफरेंट, सो लेट्स गो। और मैंने ना ये पहन लिया जिसमें थोड़ी सी शोल्डर्स है क्योंकि मेरे को ठंडी लग रही थी। हम वापस आ चुके हैं मुंबई की सड़कों पे खड़ने के लिए। हमारे पास यहाँ पे सारे एज ग्रुप की औरतें हैं, स्टार्टिंग में 21, 25, 27 और मम्मी आपकी अच्छी है 40? नहीं बताऊंगी मम्मी इज 49 गाइस। नहीं आधी सेंचुरी मारने वाली है अगले साल, आ जाओ। नहीं अभी 47। 47 पिछले 4 साल से 47 ही है मेरी माँ। मरीन ड्राइव पर हम लेटे हुए हैं, वाह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे एंड अभी कितने बज रहे हैं? 9:30 और ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा तो हम फटाफट जाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ताज का ब्रेकफास्ट क्योंकि बहुत अच्छा होता है। लेट्स गो। सब रहे पीछे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो इनकी लिफ्ट देखो, पहले लग रहा था इस पे दाग लग गया, मम्मी कॉलिन लेके इसको साफ करेंगे अभी तो निकल जाएंगे। एंड हियर वी आर, द व्यू इज ब्यूटिफुल, वाओ लुक एट द शैंडलियर। इनका बुफे सिस्टम बहुत बड़ा है। हाँ एंड यहाँ पे ना दो है, एक टावर है एक पैलेस है, हम रहे टावर में रहे हैं बट आए हम खाना खाने के लिए पैलेस में क्योंकि हम लेट थे। हाँ और बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। यस, अरे भाई इतना लंबा बुफे है, ये देखो वहाँ तक बुफे ही बुफे है। नीचे गाना सुन रहे हो, लेट्स गेट सम पाव भाजी। ये हमारे यशवी जैसे जैन लोगों के लिए भी यहाँ पे काउंटर है, वाओ। मेरे पापा अभी भी बाली वाला ही खाना खा रहे हैं यहाँ पे। यूज़ एक्चुअली ईट दैट फूड ओनली, और मेरे में देखो यू विल फाइंड समोसा, पाव भाजी और थोड़े से फ्रूट्स। मस्त है मम्मा, नाइस। एंड वी हैव सम पैनकेक्स,
पैनकेक। मुझे पैनकेक बहुत अच्छा लगा, मम्मी को आलू पराठा बहुत अच्छा लगा। मेरा ना बहुत मैंने पाव भाजी वापस खाने का, बट मैं नहीं खा रही क्योंकि मुझे पता है मुझे और भी चीज़ें ट्राई करनी है। देयर फूड इज बहुत ही अच्छा। सम चाय, गरम गरम चाय। चीयर्स। Now let's go to the room, let's get ready and let's go. हमें आज करने हैं गन्नू जी के दर्शन। लाल बाग राजा जाना है, बट आई डोंट थिंक सो हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। सब कह रहे हैं बहुत मुश्किल है दर्शन करना, बट विल स्टिल ट्राई, लेट्स गो। सो हम थोड़े से लेट चल रहे हैं, आई एम गोइंग टू डू माई मेकअप एंड फिर मिलते हैं। एंड आई एम ऑलरेडी, यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन और बस अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और हम रात में जाएंगे घर, रात में हमारी ट्रेन है। बट आज हम पूरे दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं, हमें लाल बाग जी राजा जाना है, बट हमें लगता नहीं हम दर्शन कर पाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है। एंड दो साल बाद बैठे हैं गन्नू जी, तो और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है। बट अगर थोड़े से भी दर्शन हो जाते वी विल बी रियली हैप्पी। सो लेट्स सी क्या होता है एंड लेट्स गो। वी हैव रियली गुड प्लान्स फॉर द डे, लेट्स स्टार्ट अ डे। दिस इज अ कॉइन फॉर गुड लक, राइट? थैंक यू। वाओ, आज कम भीड़ है कंपैरेटिवली, है ना मम्मा? तो एक घंटे में मुख दर्शन हो जाने चाहिए, हो गए तो बहुत अच्छा लगेगा। आए हम इसी के लिए। ये सारे होटल्स हाउसफुल है, मुंबई का टूरिज्म इस टाइम पे बहुत बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दिस। लाइक सब इतने मस्त वॉक कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। मतलब दर्शन के लिए वॉक कर रहे हैं भाई। आज हमारा लव है गणपति के चाहते क्या हम आए, मम्मा पापा सीरियसली यहाँ इसी के लिए आए हैं। मजा आ गया। दीदी देखा है चाहे गणपति पापा? वापस आ जाएंगे। तेरा होगा बर्थडे परफेक्ट परफेक्ट। सो टू सो टू। और हमेशा गणेश चतुर्थी मेरे बर्थडे के अराउंड ही आते हैं। पूरा महोत्सव महोत्सव। यस यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, हमें 40 रुपए से ज्यादा नहीं लगे। बहुत लोगों से सुना था। हाँ मम्मी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, सच बोल रही हूँ। वो टैक्सी वाले भैया बोले मैडम टैक्सी छोड़ दो, मैडम आज भीड़ी नहीं है, आज भीड़ी नहीं है मैडम। नाउ दिस हैज टू बी माई फेवरेट बर्थडे, दी बेस्ट बर्थडे। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी राइट नाउ। बहुत अच्छे दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं बड़ा बाबू, हम जा रहे हैं लाडू सम्राट, यहीं से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे। दीदी वॉज नेवर अ बड़ा पाव पर्सन, बट मैंने और मम्मी ने बना दिया इसे। बड़ा अच्छे बॉम्बे के, बॉम्बे के बहुत अच्छे होते हैं। सो गणपति पापा के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा था एंड दिस हैज टू बी वन ऑफ माय बेस्ट बर्थडे। लाइक इट वाज अ होलसम बर्थडे, मुझे जैसे बर्थडे स्पेंड करना था ये वैसा ही गया। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। सो मैंने व्लॉग बंद कर दिया, बट वी वेंट टू द पलेडियम मॉल एंड दिस वाज नॉट समथिंग प्लान्ड, बट आई गॉट माय सेल्फ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू ऑल। दैट्स द रीजन मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया। सो आई गॉट माय सेल्फ गुची। ओ माय गॉड, इसे मैं कह रही हूँ तो भी मुझे इसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था आई गेट अ गुची बेसिकली। सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस एंड गेस करो क्या है।
pause this video and guess what is in this box. Okay, let's unbox this. Ta-da! That's the packaging. मुझे तो पता है क्या है बट आप लोगों को दिखाना था मुझे. We have two bags. One, two. अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैंने क्या लिया है. So I have Gucci की heels right here. I love the way they look. They are not really high heel, but they are really good. They are really comfortable, and they are in black color, जो बहुत ज़्यादा चलेगा. Like these are the basics that I'll wear the most. So I got them, and thank you to Didi. She also helped me get this, and हम दोनों ने मिलके मेरे लिए ये लिया है. So that's the thing that I got from Gucci, and I'm really really happy, and thank you so much for supporting me कि मैं gift ले पाई. And now I'm going to show you all the other gifts that I received. So you all know, अगर आपने part 1 देखा होगा, I got iPad. This is the iPad Air with this pencil, Apple pencil, and ये काफी ज्यादा useful है और मुझे बहुत मजा आ रही है इस पे काम करके. So this is a really really good purchase that we actually needed. So yes, Didi got me this. I got Tanishq से लेयर्ड नेक पीस. दिस इज अ रियली ब्यूटिफुल वन. दीदी ना हमेशा मुझे हर बार कुछ ना तो कुछ देती है ज्वेलरी में. सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड काफी मेरी स्टाइल का ही है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एज वेल. देन आई रिसीव्ड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स विच आई एम गोइंग टू शेयर. आई रिसीव्ड पावर बैंक जो मुझे हमेशा चाहिए रहती है, एंड दे ऑल नो दैट. एंड आई हैव दिस रियली ब्यूटिफुल ग्रीन बैग जो मैं कल इवेंट पे कैरी करने वाली हूँ. आई लव द होल डिटेलिंग एंड हाउ ब्यूटिफुल एंड शीक दिस इज. हैव दिस ब्लैक ड्रेस. दिस इज फ्रॉम जारा एंड दिस इज वेरी गर्ली गर्ली ब्यूटिफुल सी ऐसी ड्रेस है. बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है मुझे. सो थैंक यू सो मच. देन वी हैव दिस टॉप. दिस इज अ काउल नेक काइंड ऑफ अ टॉप. आई हैव अ पेयर ऑफ शूज. You will see a lot of shoes now. So I have these Reebok के shoes जो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं. They look so good with denims and whites. So we have this. Now coming to the gifts that I gifted myself. I got myself this white pair of boots from Zara and they are super high. Love 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 it. ये काफी ज्यादा expensive थे but मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए और मैंने birthday पे carry भी किए थे. So got it. फिर है ये बहुत beautiful से purple heel again from Zara and that quirky miss gifted me this. इसका जो base है ना ये बहुत ज्यादा cushy and they are super comfortable and they look really good as well. So thank you so much Quirky for sending this. And ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी दिखाया था but मृदुल दीदी gifted me this pair of heel and a bag along with it जो मैं already use कर रही हूँ. I really like this bag and ये दोनों H&M से है. And then I gifted myself more two pair of boots. I know बहुत ज्यादा heels and footwear हो गया but I love it. So सबने मुझे वही gift किया है. So I got myself this. ये है जारा के बूट्स एंड काफी ज्यादा कूल लगते हैं एंड दे आर रियली कंफर्टेबल क्योंकि आगे काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है तो आपका पाव एकदम ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है विच इज अ नाइस थिंग. सो वी हैव दिस एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज अगेन अ पेयर ऑफ बूट्स. सो आई हैव दीज ब्लैक वंस. मेरे पास जो ब्लैक है ना वो आगे से स्क्वायर है एंड दिस मेक्स अस लुक रियली रियली टॉल एंड शीक. सो आई वॉन्टेड समथिंग विथ वी फैब्रिक है, रिब्ड फैब्रिक है एंड वी हैव दिस रियली सेक्सी हील एट द बैक. सो इतनी सारी चीजें मुझे मिली मेरे बर्थडे पे. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस बर्थडे रियली स्पेशल एंड काफी लोगों ने मुझे विश किया. थैंक यू सो मच. एंड मैंने ना पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे गिव अवे भी होस्ट किए थे. सो आज सबके मैं विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ. सो हमारे गिव अवे के विनर्स बाकी है बाली व्लॉग से. सो बाली व्लॉग का विनर जो शार्लेट टिलबरी की किट है वो मिलती है कशिश जैन को. कंग्रेचुलेशंस कशिश. देन आई हैव रूम टूर वाला गिव अवे जिसमें मैं विक्टोरिया सीक्रेट का गिव अवे कर रही हूँ. ये जाता है शिवानी खन्ना को. एंड जो मेरा रिसेंट व्लॉग था 21st बर्थडे व्लॉग जिसपे मैं 5000 रुपीज का एमेजोन वाउचर दे रही हूँ वो जा रहा है टीशा धाका को. कंग्रेचुलेशंस एवरीवन. प्लीज मेल मी एट दिस गिवन आईडी एंड आई विल बी डिस्पैचिंग योर कोरियर. एंड प्लीज कहीं से भी ना अपनी आईडी
प्रूफ डाल देना उसके अंदर, सो दैट आई नो कि आप ही हो जो ये विनर हो इसके। एंड आज के गिव अवे में है 2000 रुपीज का अमेजोन वाउचर। सो अगेन आपको पार्टिसिपेट करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ऑन माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आपको कॉमेंट करना है विथ हैशटैग ब्राउनी। एंड दैट इज इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू, बाय।